She just want me cause I look like something she might wife. I be sliding on these tracks any day or night, day or night, any day or night. She just want me cause I look like something she might wife. Here's the problem with that, daily ain't bothered with that. I'm just trying to get up inside of the bag of relax. एपिसोड के स्टार्ट में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे स्टूडेंट अपने टेस्ट के लिए तैयार होते हैं। वहीं पे एक स्टूडेंट चैन जो कि एक बड़ा सा बर्तन लेके आता है अपने टेस्ट के लिए और वो ये सब इसीलिए कर रहा होता है कि वो सू को इम्प्रेस कर पाए। वहीं पे अदर साइड उसका फ्रेंड ये सब देख के काफ़ी अननोइंग फील करता है। तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से कुछ बॉडीगार्ड और एक रेड कारपेट के सामने अपने शू की शाही एंट्री होती है। शू को वहाँ देखकर चैन उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है पर शू उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देती है। खुद को इग्नोर होता देखकर चैन पत्थर की तरह जम जाता है। वहीं पे शू वैंग के पास जाती है उससे बात करने के लिए पर वहीं पे वैंग शू के सर पे एक वियर्ड सा सिंबल नोटिस करता है और इस सिंबल के कारण ही शू वैंग को पसंद करने लगी है। तो वैंग प्यार से जाके शू को टच करता है और जिसे देखकर सारे लोग के तोते उड़ चुके होते हैं। बट वैंग ये सब शू के ऊपर बने सिंबल को हटाने के लिए करता है और वो उसका सिंबल हटा के वहाँ से शांति से निकल जाता है। इसके बाद हमें टेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सबके टेस्ट हैं। वहीं पे टीचर उन्हें कुछ इंग्रेडिएंट बनाने के लिए डिटेल देती है और जिस इंग्रेडिएंट का नाम ये यूनदान होता है और ये बहुत अजीब नाम है, मैं इसको बोल भी नहीं पा रहा हूँ ढंग से, आप भी कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। पर टीचर ये बनाने के लिए प्रोसीजर इतना जल्दी जल्दी बताती है कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। बेसिकली ये चीज़ एक बॉल की तरह होती है जो कि हमने प्रीवियस एपिसोड में वैंग को खाते हुए देखा था, पर ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। अब टीचर ने इतना जल्दी जल्दी बताया है तो सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है, बट फिर भी वो लोग ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें सब समझ में आ गया है। इसके बाद वो लोग अपने काम पे लग जाते हैं जहाँ पे वो इस चीज़ को बनाने की तैयारी करते हैं, जहाँ सारे स्टूडेंट अपने घर से स्पेशल सामग्री लेके आते हैं इस चीज़ को बनाने के लिए। वहीं टेस्ट कंप्लीट करने के लिए अपने मोटा भाई एक मिस्टीरियस बर्तन लेके आते हैं जिस पे सारे लोगों का ध्यान जाता है इंक्लूड टीचर। वहीं पे चैन अपने बड़े से बर्तन में काफ़ी सारी चीज़ डालने के चक्कर में उस बर्तन को एक्सप्लोड कर देता है और यही इस इंसिडेंट के चलते ही चैन रोते हुए वहाँ से बाहर भाग जाता है। इस टेस्ट के दौरान ही उन्हें कुछ टाइम का ब्रेक दिया जाता है। इसी दौरान जब वहाँ पे कोई नहीं होता है तो जो कि फ्रॉग है, वो अभी तो फिलहाल डॉग बन चुका है, वो मोटा भाई के मिस्टीरियस बर्तन को खाने के लिए आता है। ये वो इसलिए करना चाहता है ताकि वो अपनी पावर गेन कर सके इस मिस्टीरियस बर्तन को खा के। तभी वहाँ टाइम रहते ही वैंग पहुँच जाता है और वैंग को वहाँ पे देख के डॉग बर्तन खा के वहाँ से निकल जाता है। वैंग उसके पीछे जाके वहाँ से जंप करता है पर डॉग शातिर होने के चक्कर में वो मिडिल वाले फ्लोर में जंप कर जाता है और वैंग नीचे चले जाता है। डॉग को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है कि वैंग भी उसे नहीं पकड़ सकता और कहीं वे जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वैंग दिखता है और वैंग को देखते साथ ही उस डॉग के पसीने छूटने लगते हैं। वैंग उस डॉग की कोताही करता है और उसे उसी फ्लोर से नीचे फेंक देता है। वहीं पे हमें मैदान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चैन पागलों की तरह पूरे मैदान में दौड़ रहा होता है जिसके चलते ही कुछ लड़कियों की स्कर्ट उड़ रही होती है और हमें पता चलता है कि चैन इतना परेशान क्यों है, क्योंकि जिस बर्तन को वो लेकर आया होता है ये उनका पुश्तैनी बर्तन होता है जो कि उसके डैड ने उसके काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उसे दिया होता है। और वहीं पे उसके डैड एक वॉरियर हैं और जो कि काफ़ी डेंजरस भी है, और जब उसके डैड को पता चलेगा कि उनके बर्तन के साथ क्या हुआ है तो आप समझ जाओ चैन की क्या हालत होने वाली है, और इसके चलते ही चैन काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी साइड वैंग डॉग से बर्तन छुड़ा उसे साफ़ करता है और उसकी जगह में रखने के लिए जा रहा होता है। तभी उसे मोटा भाई मिलता है जो कि वैंग के हाथ में अपने बर्तन को देख के सारी सिचुएशन को गलत समझ लेता है और वो गुस्सा होते हुए वैंग से ऐसा करने का रीज़न पूछता है। वहीं पे सीन वापस चैन के ऊपर आता है जो कि डर के मारे इतना खराब तरीके से घबरा गया होता है कि उसे काफ़ी बुरे इल्यूजन आने लगते हैं जिसमें शू वैंग के साथ दिखती है और जिसे देखकर चैन परेशान होता है क्योंकि
चैन शू को पसंद कर रहा होता है। वहीं पे आगे चैन को दिखता है कि सारे स्टूडेंट उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो क्लास का प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट होने के बाद भी वो एक भी काम अच्छे से नहीं कर सकता और वो उनके लिए कितना बड़ा फेलियर है। ये सब सोचकर ही चैन ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसे किसी डीमन ने पोसेस कर लिया है। उसके बाद वो शू को बचाने के लिए वैंग से क्लास की तरफ बढ़ जाता है। वहीं अदर साइड पे वैंग मोटा भाई को सारी स्टोरी बताता है, पर मोटा भाई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है क्योंकि उसे ये सारी स्टोरी बोगस लग रही होती है। वहीं पे मोटा भाई अब बहुत गुस्सा हो चुका होता है, तो वो अपनी गन से पॉइजन को वैंग के ऊपर फायर करता है, जिसे वैंग सिंपली डॉज कर लेता है। पर वहीं से चैन आ रहा होता है और ये पॉइजन चैन के मुँह पर जाके लगता है, जिसके चलते ही चैन वहाँ पर तुरंत अनकॉन्शियस हो जाता है। चैन की ऐसी कंडीशन देख के वैंग उसे अपने पावर से ठीक करने की कोशिश करता है, पर मोटा भाई उसका हाथ पकड़ के उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि मोटा भाई को वैंग के ऊपर भरोसा नहीं होता है। साथ ही साथ मोटा भाई वैंग को चैन को अपने साथ टेस्ट रूम लेके आने के लिए कहते हैं, जहाँ पे वो किसी भी तरीके से उसे ठीक कर सकें। इसके लिए वो काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट जमा करते हैं और उसे अपने बर्तन में डालते हैं, पर उस चीज़ को बनने के लिए 2 घंटे लगेंगे। और तभी मोटा भाई को याद आता है कि उनके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि वहाँ पे टेस्ट चल रहे होते हैं और इसके चलते ही टीचर और सारे स्टूडेंट वहाँ पे किसी भी वक्त आने वाले होंगे। ये सोचकर वो परेशान हो ही रहा होता है, इसी बीच में वहाँ पे डॉग आ जाता है जो कि एक बार फिर मोटा भाई के बर्तन को खाने की कोशिश करता है, पर इस बार मोटा भाई उस कुत्ते को अपने पावर से हमला करके तुरंत बेहोश कर देते हैं। पर जिसके चलते ही डॉग के पास से एक ऐसी पावर निकलती है जिससे उस बर्तन को, जो कि 2 घंटे में कंप्लीट होने वाला था, वो अब 2 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। और वहीं पे हमें पता चलता है कि डॉग के पास एक मिस्टीरियस पावर है जिसके द्वारा वो टाइम को आगे या तो पीछे कर सकता है। ये सुनकर वैंग और मोटा भाई के मन में काफ़ी खुरापाती आइडिया आने लगते हैं और वो डॉग को टॉर्चर करके अपना काम कंप्लीट करने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद टेस्ट रूम में टीचर की एंट्री होती है, जहाँ पर टीचर सबके टेस्ट को चेक करती है, जहाँ पे टीचर मोटा भाई के भी बर्तन को चेक कर रही होती है। पर मोटा भाई को लगता है कि अभी तो उसके इंग्रेडिएंट को कंप्लीट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, पर वहीं पे जब टीचर उसका बर्तन चेक करती है तो उसका इंग्रेडिएंट यानी कि बॉल कंप्लीट नज़र आता है। और वहीं पे मोटा भाई को लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं पे जब टीचर वैंग का बर्तन चेक कर रही होती है तो वैंग का बॉल इनपरफेक्ट होता है और इसके चक्कर से ही वो फेल हो जाता है। वहीं पे मोटा भाई को लगता है कि वैंग ने उसके लिए ही अपना परफेक्ट बॉल उसके बर्तन में डाल दिया और उसका ख़राब बॉल अपने बर्तन में डालकर फेल हो गया। ये सब सोचकर ही मोटा भाई वैंग को अपना सच्चा दोस्त मानने लगता है और काफ़ी सेंटी भी होता है, पर असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वैंग ने ऐसा कुछ नहीं किया है और वैंग ने सच में ख़राब बॉल ही बनाया होता है। वहीं पे मोटा भाई ने अच्छा और एक परफेक्ट बॉल बनाया है, जिसके चलते टेस्ट में वो कुछ करे या ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर इनडायरेक्टली तो वैंग ने तो उसकी मदद की ही है, वो कैसे आप खुद समझ लो। टेस्ट के बाद चैन की नींद खुलती है, जहाँ पे उठते साथ ही उसे अपने बर्तन की याद आती है और इसके चलते ही वो परेशान होने लगता है। वहीं पे मोटा भाई उसे बताता है कि वो अपने पीछे अपने बर्तन को देख ले, और जब वो अपने बर्तन को सही सलामत देखता है तो मोटा भाई उसे बताता है कि ये सब वैंग ने किया है और उसी ने उसके बर्तन को भी ठीक किया है। ये सुनकर चैन तुरंत ही रोने लगता है और वैंग को गले लगाकर उसे अपना दोस्त मानने लगता है। वहीं पे लास्ट में डॉग की स्पिरिट दिखाई जाती है, जो कि बेचारा टॉर्चर होकर इन सब चीज़ को पॉसिबल कर पाया, और यहीं पे एपिसोड का एंड होता है। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आया हो तो लाइक, पसंद नहीं आया तो 2 बार डिसलाइक, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस, अगली मुलाकात आपसे जल्दी होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।